मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एबीडी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कश्मीरी पंडित प्रवासी कर्मचारियों ने यहां श्रीनगर प्रेस इनक्लेव में विरोध प्रदर्शन किया और घाटी के बाहर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की मांग की। नीरू भाट। हाँ जी, आज कम से कम अब 2 महीने होने वाले हैं राहुल भट्ट की शहादत को, तो अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे बिल्कुल भी गौर नहीं फरमा रही है। हमें सिक्योरिटी के बारे में, सेफ्टी के बारे में बिल्कुल भी अभी इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। बाकी जो चीज़ें हैं सर्विस रिलेटेड मैटर्स है वो उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है, मगर उसमें भी काफ़ी ड्रॉबैक्स निकले हैं, जैसे कि प्रमोशन है। तो प्रमोशन में ऐसे पैन टेररिज्म किया गया कि वहाँ पे बड़े सारे जिनको जेई से एई बना दिया गया, ना उसमें ना पब्लिक सर्विस कमीशन से ना उधर सीधे कन्फर्मेशन है। अगर एई की पोस्ट मतलब जेई की डिमोलिश की है तो एई की क्रिएट की है तो एई वाले जो है उसकी इंचार्ज एई बना दिया और उसका ग्रेड पे भी नहीं दिया है उस चीज़ का। तो जो देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी हद से फेल है। हम यही चाहते हैं कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो राइट टू लाइफ है। हम मतलब हमें जीने का अधिकार है, सबसे पहले हमारी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, फिर बाकी ये सारी चीज़ें हैं। जैसे नौकरी वोकरी ये तो है इम्पॉर्टेंट, बट सबसे प्राइम जो प्रायोरिटी है वो हमारी सेफ्टी को लेकर इस पे संज्ञान अभी तक नहीं हुआ है। लगातार तो अभी बहुत बार ये भी कहा था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर, हमारा ये है कि अभी तक भी इनके कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी ये सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर। अभी भी इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है। हमारा कम से कम 2 महीने होने वाले हैं, अभी भी इन्होंने किसी चीज़ पे मतलब सिर्फ बस हमारे जितने जो जैसे कि हमारी सर्विस रिलेटेड मैटर्स है वो सॉर्ट आउट करने का सोच रहे हैं, बट हमारी जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है वो बिल्कुल भी नहीं है। हम तब तक अड़े रहेंगे, हम तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ये कदम नहीं उठा लेते हमारी रिलोकेशन का, नहीं तो हमें ब्रीदिंग टाइम दिया जाए जब तक मिलिटेंसी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। जहाँ पे यहाँ पे चाहे वो सरदार भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे हिंदू भाई, जब तक इनकी टारगेट किलिंग बंद नहीं हो जाएगी तब तक हम नहीं ऑफिसेज जाएंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे। और हम यही चाहेंगे पहले हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कदम उठा दिया जाए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीडी न्यूज 24x7। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एबीडी न्यूज 24x7 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।